दोस्तों सब्सक्राइब करिए एंड्रॉइड को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को हमारी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड। और आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि फेसबुक जब आप ऑन करते हैं अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में तो उसमें ऑटो प्ले चलता रहता है। यानी कि फेसबुक में जैसे ही आप फेसबुक ऑन करते हैं तो वीडियोज़ जो होते हैं आपकी टाइमलाइन पे वो ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली वो प्ले होने लगते हैं, यानी दिखने लगते हैं, आवाज़ आने लगती है उनमें। तो एकदम आप कभी अगर आप ऑफिस में होते हैं तो बड़ा मतलब बुरा सा एक्सपीरियंस होता है, कभी कभी कुछ मतलब ज़्यादा साउंड वाली वीडियोज़ प्ले हो जाती हैं अचानक से ऐसी जगहों पर, तो वो थोड़ा सा अनॉइंग लगता है कभी कभी। और उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका डेटा भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो बंद कर दें ऑटो प्ले और आप जब क्लिक करें किसी वीडियो पे अपनी टाइमलाइन में तभी प्ले हो, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो फेसबुक में वीडियो ऑटो प्ले बंद करने के लिए सिंपली आपको जाना होगा अपने फेसबुक ऐप में। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं सिंपली ऑन करता हूँ अपना फेसबुक ऐप। ये देखिए मैंने फेसबुक ऐप ओपन कर लिया है। अब आपको फेसबुक ऐप में ये जो मेन्यू आइकन दिख रहा होगा टॉप राइट साइड में तीन लाइंस बनी होंगी, उस पर क्लिक करना है और सिंपली ऐप सेटिंग पे जाना है। ऐप सेटिंग यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ऐप सेटिंग पे जाइए और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऑटो प्ले दिख रहा होगा। यहाँ पे इस जगह पे ऑटो प्ले दिख रहा है, अब यहाँ पे टाइप करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन चार ऑप्शन दिख रहे हैं, तीन ऑप्शन एक्चुअली दिख रहे हैं आपको। एक ऑप्शन है ऑन मोबाइल डेटा एंड वाईफाई कनेक्शन, यानी कि अगर इस पर टाइप करते हैं तो सभी पे यानी कि मोबाइल डेटा और वाईफाई सभी पे वीडियोस ऑटो प्ले होंगी और ऑन वाईफाई कनेक्शन ओनली। सेकंड वाला है कि अगर आपको सिर्फ वाईफाई कनेक्शन पे वीडियो ऑटो प्ले करनी है तो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। बट मैंने क्या किया हुआ है कि नेवर ऑटो प्ले वीडियोस पे चूज़ किया हुआ है ताकि कभी भी वीडियोस अपने आप ना प्ले हों। तो नेवर ऑटो प्ले वीडियोस पे क्लिक करना होगा ताकि आपकी वीडियोस अपने आप ऑटोमेटिकली कभी नहीं प्ले होंगी और आप जब भी क्लिक करेंगे किसी वीडियो पे तभी वो वीडियो प्ले होगी। तो इस तरह से आप वीडियोस को बंद कर सकते हैं ऑटो प्ले होने से और आप बहुत सारा डेटा भी बचा सकते हैं। और कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है सिचुएशन में, अचानक से कुछ वीडियोस वैसे बन ऐसा कुछ होता है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई अभी भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं और कुछ अच्छा बना सकूं इससे रिलेटेड। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।